बताइए। कह रहा हूँ आपका एक कोरियर जो है ना डीएक्टिवेट हो गया है, तो मैं एक्टिवेट करूंगा तो आपका ऑर्डर कल मॉर्निंग में मिलेगा। तो कितने पैसे? 500 रुपए? 5 रुपए पे करना, 500 नहीं, 5 रुपए ओनली, 5 रुपीज। अच्छा, तो वो कैसे करना है? वो मैं आपको कंपनी का पेमेंट लिंक भेज दिया हूँ, देखिए आपको मैसेज किया हूँ, उसमें 5 रुपीज पे करिए और अपना एड्रेस मैसेज करिए कोरियर बॉय के नंबर। अच्छा, ये आपका लिंक आ गया, ठीक है। अच्छा, कहाँ से, कौन से ऑफिस से बात कर रहे हो भैया आप? एक सेकंड बताता हूँ। बेटे ये चूतिया मत बना, कोरियर मेरे पास रिसीव हो चुका है। क्या हुआ रिसीव? अभी 5 मिनट पहले, और तेरी वीडियो बन गई। वीडियो बना लेगा कौन का? हाँ, ये बेब कुमार का जरिया मत बना, रख फोन। जो भी आपने वीडियो देखी है वो पहली रिकॉर्डिंग थी, जब मुझे उनका पहली बार फ़ोन आया और मुझे शक हुआ कि ये कोई स्कैम है, तो मैंने वो रिकॉर्ड करा। अब जो आप वीडियो देखोगे वो मैंने इन्हें खुद कॉल करी है चेक करने के लिए कि नंबर उन्होंने बंद करा नहीं करा। तो मैंने एक हल्की सी मिस कॉल दी, तो उनका दोबारा मुझे कॉल बैक आया, तो मैं दोबारा उनसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कर रहा हूँ। उन्हें यह तक नहीं पता कि नीतीश कोहली ने जो अभी इन्हें गालियाँ बकी है, प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड करना आप लोग, जो मैंने गालियाँ बकी है कि वही नीतीश कोहली है, बट कितने प्यार से ये लोग हैंडल कर रहे हैं इस चीज़ को और कैसे दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप पूरी रिकॉर्डिंग सुनो, नंबर भी मेंशन है, इस नंबर से अगर आपको कॉल आता है इन फ्यूचर तो प्लीज़ सेफ रहिएगा। और एक रिक्वेस्ट मैं सबसे अभी भी करूँगा, अगर आपके साथ इन फ्यूचर कभी ऐसा हो, मतलब बाबा ना चाहे तो ऐसा हो, अगर होता है तो प्लीज़ सबसे पहले आप साइबर क्राइम में इसकी रिपोर्ट कीजिए। हम लोग इस चीज़ को लेकर डरते हैं कि यार छोड़ो यार क्या करना है, हमारे साथ नहीं हुआ बट हम सेफ है, ठीक है छोड़ो, बट नहीं छोड़ना ऐसे लोगों को। आज हमारे साथ नहीं हुआ है, कल शायद और लोगों के साथ हो सकता है, तो हमें इस चीज़ को रोकना है, हमें इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना है। तो प्लीज़ वीडियो देखो पूरी, बात कहाँ से वो बंदा बात कर रहा है, कहाँ से, वो बंदे का नाम क्या है, ये तो मुझे पता सब फेक है, और पूरी वीडियो सुनो। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। जी नीतीश कोहली बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, नीतीश कोहली बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, तो आपको कोरियर के लिए कॉल किया गया था ना, तो आपको पेमेंट करने के लिए बोला गया होगा 5 रुपीज, तो पे कर लीजिए। नहीं, कोरियर तो मेरे पास अभी आया नहीं है। क्या मेरे पास कोरियर अभी पहुंचा नहीं है भैया? नहीं पहुंचा, मैं बोल रहा हूँ ना, एक्टिवेशन करना होगा, एक्टिवेट करवाइएगा ऑर्डर, तब आपको पेमेंट मिलेगा। ऐसा भी होता है क्या? मैसेज में आपको कंपनी का पेमेंट लिंक भेजा, उस पे 5 रुपीज पे कर लीजिए पहले। अच्छा, तो आप कहाँ से, पोस्ट ऑफिस से बात कर रहे हैं? जी। कौन से, रोहिणी वाले? कहाँ से? क्या, कौन से वाले पोस्ट ऑफिस से भैया? सर, नोएडा सेक्टर 15 एक्टिवेशन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। आपका ऑर्डर यहाँ से डिस्पैच होकर निकल गया है, लेकिन आपका एक्टिव नहीं है ऑर्डर, ये एक्टिवेशन करने के लिए आपको कॉल किया हूँ, एक्टिवेशन करवा लीजिएगा तो ऑर्डर आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा। भैया सर, मेरी गलती तो है नहीं। आपकी गलती नहीं, कभी कभी होता है नेटवर्क इशू होने के कारण, तो आपको करना होगा ना, एक्टिवेट का 5 रुपीज पे कर लीजिए और फिर मैं आपको कोरियर जो लेकर आएगा उसका नंबर दूंगा कोरियर बॉय का, उस पर आप अपना एड्रेस भेज दीजिएगा। अच्छा, तो कोरियर में आप मुझे बता सकते हैं मेरे कोरियर में आ क्या रहा है? ट्रैकिंग नंबर बताया हो ना, एक बार देख लीजिए क्या ऑर्डर है। अच्छा, ट्रैक नंबर मेरे पास आया तो था, पर वो ट्रैक हो ही नहीं रहा। तो फिर नहीं हो रहा तो डीएक्टिवेट है, तो ट्रैक कैसे होगा? एक्टिवेट मुझे प्लीज एक बार ट्रैकिंग नंबर बताएंगे आप? हाँ, बता देता हूँ। हाँ प्लीज। गाइस, ट्रैकिंग नंबर है PPP। हाँ जी। PPP1। हाँ जी। PPP6। हाँ जी। 3026। हाँ जी। 2IN। अच्छा, ओके, एक मिनट ड्राइस, कोरियर आ चुका है। एक्टिवेट करवाइएगा तो आपका यहाँ से स्टेटस चेक हो पाएगा कि आपका ऑर्डर कहाँ पर। क्या आपका नाम बता सकते भैया, नाम क्या है आपका? मेरा नाम विशाल वर्मा हुआ। विशाल वर्मा, और आप पोस्ट ऑफिस के कौन से एक्टिवेशन डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं? जी। अच्छा, ओके, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुरियर मेरे पास आ चुका है भैया, आप बताइए।
मेरे पास कुरियर तो रिसीव हो चुका है। तो रिसीव हो गया तो आपको अच्छी बात है ना, तो आप फिर कॉल किस लिए से है? नहीं तो आप बताओ ना, आप कह रहे हो कि एक्टिवेट नहीं है ये कुरियर, तो कुरियर तो मेरे पास आ चुका है, अब ये देख सकते हो ये कुरियर आ चुका है और ये फेक था बेब को बनाने के लिए। मेरे पास मेरा पासपोर्ट जो था स्पीड पोस्ट से आना था वो आ चुका है, और इस संभव मैंने दोबारा इसलिए कॉल करी है कि अब चेक तो करूं कि क्या है, और ये देखो आपके सामने बंदे ने फ़ोन भी इसलिए काटा है। प्लीज़ अवेयर रहिए, ये बहुत सारे ऐसे केसेस है और मुझे नहीं पता इनके पास मेरा नंबर कैसे पहुंचा और कैसे ये लोग इस चीज़ को अंजाम देते हैं। वो 5 रुपए के चक्कर में अगर मैं उनके लिंक पे क्लिक कर लेता तो शायद पता नहीं मेरे कितने पैसे इनके पास चले जाते। तो आप लोगों से भी कहूँगा, ये गवर्नमेंट का पोर्टल है, देखो स्पीड पोस्ट गवर्नमेंट का है, फिर भी यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही है, तो प्लीज़ अवेयर रहिए और बच के रहना। किसी भी लिंक तक आपको कोई भी ऐसे कॉल करता है बिना कंफर्मेशन बिना कुछ चीज़ के, कोई भी पेमेंट उन्हें नहीं भेजनी है आप लोगों ने, बी अवेयर। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके लिंक में था क्या जिससे ये मेरे साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहे थे। एक्टिवेशन कोरियर बी वेबसाइट, इसे मैं करता हूँ यहाँ पे क्लिक, उसके बाद कुछ इस तरह का इनका खुलता है और ये 100% स्कैम है। देखो इसमें मुझसे पूछ रहा है सिलेक्ट बैंक, देखिए ऊपर सारे UPI की दे रखे, तो UPI मांगो ना, तो इसमें अगर मान लो मैं अपना बैंक अकाउंट, देखो सारे बैंकों की डिटेल्स है, उसमें मैंने डालता मोबाइल नंबर डालता 5 रुपये अमाउंट और UPIN, मैं ऐसे पे ना होकर करता तो सीधा इनकी जो भी मेरे अकाउंट्स की डिटेल थी या मेरे कोई भी OTP की डिटेल इनके पास पहुँच जाती और मेरा अकाउंट यहाँ खाली हो जाता। आप देखो तो कितना बड़ा ये लोग स्कैम कर रहे हैं, और मैं बच गया हूँ। तो कुछ लोग बहुत ऐसे भी होंगे तो शायद इस चीज़ को लेकर सीरियस नहीं होंगे और वो 5 रुपये पे करके उनका कितने लोगों का इन्होंने स्कैम किया होगा। और अभी मैंने दोबारा इनकी रिकॉर्डिंग जो करी है उसमें देखो आप इनका नाम भी सुन सकते हो कि क्या नाम है और कहाँ से ये बोल रहा है, बहुत तगड़ा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो, फॉरवर्ड करो, और यार मैं वैसे इसकी कंप्लेंट साइबर क्राइम में डाल रहा हूँ, बट अगर आपके साथ भी इन फ्यूचर कुछ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ केयरफुल, कोई आपको हल्का सा भी उन पर शक हो तो वीडियो बनाओ और सेफ रहो। थैंक यू।